लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर इंजीनियर कुलजीत सिंह के द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। आरा सदर प्रखंड के लचनपुर गांव में इंजीनियर कुलजीत सिंह और उनके गुरु सुनील तिवारी सर और उनके शिष्य को आशीर्वाद स्वरूप में छठ व्रतियों के बीच में पूजा सामग्री का वितरण किया गया। पूजा सामग्री में नारियल, घघरवा, नींबू, कलसुप, फल सहित पूजा का सामग्री का वितरण हुआ। इंजीनियर कुलजीत सिंह ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ समरसता का प्रतीक है। इस पर्व में अमीर गरीब एवं ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है। भगवान सभी लोगों पर अपनी ऊर्जा समान रूप से बिखेरते हुए ऊंच नीच का भेद नहीं करते हैं। वहीं सुनील तिवारी ने बताया कि इंजीनियर कुलजीत सिंह हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को हर संभव मदद भी करते हैं, जिसका यह परिणाम है कि आज लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर दर्जनों आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच में छठ पूजा की सामग्री का वितरण किया गया है, ताकि वह भी लोग खुशीपूर्वक लोक आस्था के इस महापर्व को मना सके। आरा सदर प्रखंड के लछनपुर सहित रूपचकिया, चांदी सहित कई गाँव में छठ पूजा को लेकर सामग्री का वितरण किया गया है। वितरण किया जा रहा है। सबसे पहले छठ पूजा की ATN न्यूज फोर्थ पिलर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुँचे, और सभी माता बहनों को प्रणाम करते हुए छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य हमारे गुरु सुनील तिवारी, मनोज जी, भीम जी, पंडित जी और कई गणमान्य हमारे गाँव के लोग हैं। इस बार हमने पहली पहल में देखा कि पहली पहल किया कि इस बार छठ पूजा सामग्री को वितरण किया जाए, जो गरीब लोग इस महंगाई से पीड़ित हैं, इस महंगाई में जिनके लिए 200-400 रुपया मायने रखता है जी, उनके लिए हम सोचे कि थोड़ा सहूलियत हो जाए। इसमें हमने अरेंजमेंट करीब करीब जितने कॉस्टली फ्रूट हैं वो हम डाल दिए हैं, बाकी किन्हीं को आपके माध्यम से, अगर आपके न्यूज़ के माध्यम से कई ऐसे गरीब महिलाएं या गरीब परिवार जो उनको लगे कि हमको भी ज़रूरत है, तो अभी भी हमारी इनका मोबाइल नंबर अभी हम फेसबुक पे डालेंगे, तो आकर के इनसे संपर्क करके जितना भी सहूलियत हो सकता है हम करेंगे, है ना। हर खास फेस्टिवल पर आप यहाँ आ जाते अपने गाँव में, बस कारण है कि समाज से निकले हैं, कई लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में बस नौकरी में ही रह जाते हैं, समाज करीनी है हम जो है, जहाँ है एक यहाँ से जो लिए हैं, जहाँ हम हैं इसी इन्हीं लोग का आशीर्वाद है, और इन्हीं लोग का आशीर्वाद से जो हम पाए कुछ ही सोचते हैं कि कुछ उनके भी एक हिस्सा में दे दिया जाए। ठीक है सर, जो छठ गीतों को गुलजार करने वाले, अभी जब ये बात आप पूछ रहे हैं तो मेरे शरीर का एक एक रख कांप रहा है, उनके लिए क्या कहें हम। और सबसे अच्छी बात कि जिस चीज़ से निकल के जिनकी पहचान इन्हीं चीज़ों से हुई, और स्टार्टिंग के ही दिन उनके चले जाना, ये अक्षणीय पूर्ति है, इसको पूर्ति नहीं किया जा सकता है। और छठ ही नहीं, भोजपुरी जगत की पारंपरिक पद्म विभूषण कहें, और समाज में सबसे बड़ा एक निष्ठा जो महा छठ पर्व एक महापर्व है, उनकी गीत के बिना अब अधूरा। कहीं भी शारदा सिन्हा का गीत बज जाए तो लगता है कि लगता है कि शरीर मंत्रमुग्ध हो जाए। उनकी बात जो कहे, कल हमने देखा न्यूज तो फेक न्यूज चली सुबह तक कि गुजर गई, लेकिन जब हमने लास्ट शाम को ट्वीट देखा उनके पुत्र का, तो उस समय हमको अनुभव हो गया कि अब नहीं बची, वो चली गई। उस समय मैं आधे घंटा तक उनके लिए आत्मसम्मान रखा कि कुछ नहीं, कम से कम उनको हम सम्मान करें। पहले तो सूर्य भगवान और छठी मैया से मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि हमारे शिष्य ये इंजीनियर साहब हैं, जिस प्रकार से ये समाज सेवा के लिए सब काम कर रहे हैं, भगवान उनको आगे बढ़ें, हमारा आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद साथ में है। लोगों के बीच और खासतौर पर युवाओं के बीच में बड़ा इनका सहयोग रहता है जी। सबसे पहले छठ पर्व महापर्व को नमस्कार। हमारे गुरु तुल्य सुनील तिवारी जी, हमारे गुरु तुल्य इंजीनियर साहब कुलजीत सिंह जी के माध्यम से जितना फल फ्रूट वितरण हुआ, ये अपना अच्छी तरह से निभाएं, आज जीवन भर लगे रहें,
इस महान पर्व में, ताकि हर छोटा से छोटा परिवार, गरीब से गरीब परिवार भी इसमें सम्मिलित होकर पूजा पाठ में ध्यान लगाए और करें। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, जय छठी मैया। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बीच परम आदरणीय गर्जीवन सुनील सर और इंजीनियर साहब जी, मैं चाहूँगा छठी मैया से कि इनका और मेरा गांव का फसला तो ज़्यादा नहीं है, हर एक गांव में ऐसे धरती पुत्र हो जो माँ के पर्व जिसका श्रद्धा भी नहीं हो, इनके माध्यम से श्रद्धा और मन में हुलस हो जाए। नौकरी तो बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन ये तो हमेशा मतलब कि पंचायत के युवा को हो या कोई त्यौहार हो, कोई भी ऐसा चीज हो, सब में ये अपना एक हिस्सा योग का योगदान जरूर करते हैं अपना। एक इसके पीछे राज है कि ये जिस धरती से गए हैं, इन्होंने अपने गांव में रहकर ऐसे ऐसे दुख और विपद झेल कर और सबसे लड़ाई करके अपने आप में अंदर में नौकरी में नहीं है सर, इनको हमेशा महसूस होता है कि हम अपने गांव और युवा के बीच में रहे। आज हम लोग देखे हैं कि अपने गांव में भी एक से एक फंक्शन और भोजपुरी जगत के जितने कलाकार हैं, इतना प्यार दुलार भी मिलता है। हम लोग एक छोटा कलाकार है, मंच उद्घोषक, बाकी सर से इतना प्यार इंजीनियर सर से मिलता है कि कॉमेडी स्टार है, इनको भगवान और हमारे तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं, और तरक्की करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, है ना। तो आपसे पहले से हम जानते हैं, हमसे पहले जानते हैं, लेकिन इनका मैं अभी फेसबुक वगैरह पे देखता हूँ तो जो चीज़ एक वजूद जो छुपी हुई चीज़ है गांवों से दर्शाना, जैसे जमीरा का पुल में हमेशा पानी लग जाना, ये इनका एक पेन और इसको सोशल प्लेटफॉर्म पे रखे, ये हमको बहुत अच्छा लगा। और समाज में जो हो रही है अव्यवस्थाएं, उनकी गाथा को ये प्रस्तुति करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुति करते हैं। भगवान सूर्य से इनका भी कामना है कि आगे जाए और आगे जाए, इनको फिर से हम नॉमिनेट करेंगे जब सीएम का कार्यक्रम हो या किसी सांसद लेवल का कार्यक्रम हो तो इनको हम सर्टिफिकेट। चलिए फिर से कुछ लोग। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर इंजीनियर कुलजीत सिंह के द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। आरा सदर प्रखंड के लचनपुर गांव में इंजीनियर कुलजीत सिंह और उनके गुरु सुनील तिवारी सर और उनके शिष्य को आशीर्वाद स्वरूप में छठ व्रतियों के बीच में पूजा सामग्री का वितरण किया गया। पूजा सामग्री में नारियल, घघरवा, नींबू, कलसुप फल सहित पूजा का सामग्री का वितरण हुआ। इंजीनियर कुलजीत सिंह ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ समरसता का प्रतीक है। इस पर्व में अमीर गरीब एवं ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है। भगवान सभी लोगों पर अपनी ऊर्जा समान रूप से बिखेरते हुए ऊंच नीच का भेद नहीं करते हैं। वहीं सुनील तिवारी ने बताया कि इंजीनियर कुलजीत सिंह हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को हर संभव मदद भी करते हैं, जिसका यह परिणाम है कि आज लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर दर्जनों आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच में छठ पूजा की सामग्री का वितरण किया गया है, ताकि वह भी लोग खुशीपूर्वक लोक आस्था के इस महापर्व को मना सके। आरा सदर प्रखंड के लछनपुर सहित रूपचकिया, चांदी सहित कई गाँव में छठ पूजा को लेकर सामग्री का वितरण किया गया है।